वो लड़की कह रही मैं 10 से ऊपर जाऊंगी नहीं, तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, एक काम कर 25 हम दे देंगे, 10 तू दे दे। हाँ ठीक है ना, हमारा तो 5 कम ही हो गया। इंडिया एंड श्रीलंका आर टोटली डिफरेंट, या दे आर डिफरेंट कंट्री। डीजल का प्राइस है 1001। व्हाई यू लव सो मच हैंडसम मैन? थैंक यू, नॉट मोर देन यू। या श्योर, आई विल गिव यू माय इंस्टाग्राम। लो भाई, सामने आ गया है पोईपेट बॉर्डर। बट थाईलैंड के लिए ऐसे कोई वीजा नहीं चाहिए, जैसे कि एयरपोर्ट पे भी नहीं चाहिए था। आई गॉट अ न्यू फ्रेंड फ्रॉम रशिया। What's that? अगर आप लोग इंडियन पासपोर्ट के साथ एंटर कर रहे हो कंबोडिया, छोटा सा नोट दे रखा है, डियर माय गेस्ट हाउस ऑफ हैप्पीनेस टीम। अंदर वाली चीज मेरी, बाहर वाली तेरी। पहुंचे नहीं है एक्चुअली, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, ये देखो बाहर का। चलते हैं यहाँ से, रिक्शा लेते हैं भाई, अभी जा रहे हैं हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट, उसके बाद हम लोगों को जाना है हॉस्टल, वहाँ से उठाने हैं बैग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश ब्लॉग में। राइट नाउ वी आर इन सियाम रेप। अभी हम लोगों ने टूर खत्म किया है बिगेस्ट हिंदू टेम्पल या फिर बिगेस्ट रिलीजियस साइट का, जो कि मेरे पीछे है अंकोर वॉट। लास्ट वीडियो देख लेना, कितने मांग रहे हैं? 5 बोल रहे हैं। 5 बोल 4 कहाँ तक के? हाँ ठीक है चलो, तो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं भाई पब स्ट्रीट, क्योंकि वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है। भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह से कुछ नहीं खाया। उठे हैं हम लोग 7:30 बजे के आसपास के, अभी बज रहे हैं लगभग 11:30। अब यहाँ से चल के लंच वगैरह करके सामान वगैरह उठा के अभी निकलना है हम लोगों को बॉर्डर की तरफ, क्योंकि आज हम लोग क्रॉस करने वाले हैं थाईलैंड टू कंबोडिया, फिर कंबोडिया से हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं। तो कंबोडियन थाईलैंड बॉर्डर, पोईपेट बॉर्डर, जो कि सबसे बड़ा बॉर्डर पड़ता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस रहा था वो इतना खास नहीं था, बट इस बार देखते हैं शायद स्मूथली सब कुछ हो जाए। बट इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, जिन लोगों ने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं किया आप जाके कर सकते हो, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा था। बट फिर से मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा कि उस वाली वीडियो में क्या था, तो ये वीडियो पूरी देख सकते हो। ये टेम्पल मेन सिटी से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें बताई है भाई, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप विजिट करना चाहते हो या अगर आप कंबोडिया सियाम रेप आ रहे हो तो। फिलहाल यहाँ से 7-8 किलोमीटर है इंडियन रेस्टोरेंट, और वहीं से 1 किलोमीटर दूर हम लोगों को हॉस्टल है जिसके लिए चार्ज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रेस्टोरेंट जाने के लिए चार्ज कर रहे हैं $4। Just wait for 2 minutes. तो असल में हम लोगों ने पहले इनको बोला था कि इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, बट फिर हमने इन्हें बोला कि आप पहले हॉस्टल ले चलो, फिर वहां से हमें वहां लेके चलना, हम टोटल आपको $5 दे देंगे। जस्ट 2 मिनट्स वी आर कमिंग। ये चेकआउट हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट वीडियो में, देख लिया हुआ आपने। 2 मिनट भी क्यों बोल रहे हैं, इनको सामने ये रहे बैग्स पड़े हैं, देखो। ओके थैंक यू, बाय बाय। We don't have your laptop. I forgot. No, I thought that you're just calling me for some formality. Anything else? Yeah, that's it. Yo, thank you so much. It was nice stay. चलो जी, फिलहाल लोकेशन डाल के दे रहे हैं इनको पब स्ट्रीट की, करी किंग की। कैमरे को क्या हो गया मेरे? बाकी अभी हमने यहाँ पे पूछा इनसे, जो रिसेप्शनिस्ट है, तो ये कह रहे हैं कि $60 के आसपास लगते हैं एक प्राइवेट टैक्सी के, हम $40 में आ जाते हैं। चल के देखते हैं, कह रहे कि ट्रैवल एजेंसी से पूछ लो, अगर 2 लोग और होंगे तो आप स्प्लिट अप कर सकते हो, तो 4 लोग मिला के एक टैक्सी का चार्ज करते हैं $60। दिस वन स्टॉप या स्टॉप। चलो भाई उतरो। तो ये था भाई रेस्टोरेंट करी किंग, पिछले 3 दिन से हम लोग यहीं पे खाना खा रहे थे। नो डाउट यहाँ पर मैंने 2 रेस्टोरेंट और ट्राई किए, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, और सर हैं ओनर, सॉरी ठीक है सर, आप एक बार बता दो रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा बहुत, कोई अगर आना चाहेगा तो फिर यहीं पर ही आएगा। फिर ऑब्वियसली मैंने टेस्ट किया, मेरे को तो नो डाउट बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट लगा। हमारे पास साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों फूड है, और यहाँ पे जो मोस्ट कस्टमर आता, हमारे सारे ग्रुप्स आते हैं इंडिया में, बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, 200, 100, 300, तो सारी फैसिलिटीज है, 200 लोगों की हमारी सिटिंग। अच्छा ऊपर भी है? ऊपर भी। अच्छा मुझे लगा सिर्फ यही है। स्टेजेस है, सब कुछ है, गाला डिनर्स, म्यूजिक, डांस, सब कुछ ऊपर होता है। बाकी मेरे चेन ऑफ रेस्टोरेंट है पूरी कंबोडिया में। अच्छा, तो जहाँ भी जाए, जो भी प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उधर आपको इंडियन नॉमफेन में भी है ना शायद, आपका नॉमफेन में भी है, सेनोकल में है। अच्छा बीच के लिए जाता है, उसके पियर के ऊपर है, हम सारे आइलैंड्स को कवर करते हैं वहाँ से। अच्छा चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत टेस्टी था। और सर ने हमारी वो भी करवा दी है यहाँ से, जो टुक टुक होता है जहाँ पर शेयरिंग टैक्सी मिलेगी ना, तो उसका चल के बताता हूँ कितना पड़ा, क्या प्राइस है, क्या क्या है, वो सारी डिटेल्स में बात करूंगा धीरे धीरे इसी वाली वीडियो में। तो ये भाई ऊपर का एरिया है पूरा, ये स्टेज है ना? ये स्टेज है। अच्छा मुझे नहीं पता था ये ऊपर भी इतना अच्छा बना रखा है। सही है बढ़िया है। तो ये गैदरिंग के लिए, अगर छोटी मोटी गैदरिंग हो तो वहाँ बुफे लग जाता है। अच्छा नाइस। चलो जी निकला जाए।
यहाँ पर तो भाई ढूंढना भी नहीं पड़ा, पहुँचते ही सामने ये टैक्सी लगी हुई है और हमारी उम्मीद से सस्ता ले जा रहे हैं हमें। हमने सोचा था $12.5 लेंगे, $12.5 की जगह इन्होंने खुद ही बोला कि $10 लगेंगे अगर क्या कहते हैं शेयरिंग में जाते हो, और अगर प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में आपके लिए थोड़ा कम कर देंगे, जो कि क्या कहते हैं $30 बोल, मैं 35 बोल रहा था, हमने बोल दिया कि हम 30 में आए थे 30 में जाएंगे, तो $30 आपको वही पड़ गया 2700 रुपए के आसपास। शेयरिंग पूछे एक बारी, $10 में काम बन जाएगा पराग। अबे भाई 5 मिनट नहीं हो पाएंगे, कहाँ बैठेगा, ठीक है दो चलने नहीं करना आपके, कोई जरूरत नहीं, चलो फिर ऐसे कर लो कोई नहीं। चलो जी, दिस इज योर बॉटल, ये क्या क्या। अबे मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा था। अपने अपनी भी डाल देना, अपनी भी डाल दे इसी में। नहीं नहीं नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बढ़िया एसी चल रहा है। हाँ यार शूट करना है भाई, क्या करूँ, मन तो पीछे था कि सो जाऊंगा, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, गर्मी भाई गर्मी, इस पूरे शहर में एसी लगा देना चाहिए। पीछे लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, मुझे लगा था यहाँ कैसे मिलेगी टैक्सी, बट देख रहे हो लाइन से यहाँ पर ये बुलक कार्ट तो नहीं सॉरी, ये छोटी छोटी कार्ट होके जा रही है, टुक टुक आए जा रहे हैं और लोग भी उतरे जा रहे हैं। 35 नहीं उन्होंने बोल दिया कि वो लड़की कह रही है मैं 10 से ऊपर जाऊंगी नहीं, तो फिर मैंने बोला कोई नहीं काम कर 25 हम दे देंगे, 10 तू दे दे। हाँ ठीक है ना, हमारा तो 5 कमी हो गया। हाँ और क्या भाई, ये बंदी भी खड़ी हुई थी यहाँ पे, बैठी है $10 से ऊपर नहीं देना चाह रही थी, इसको शेयरिंग में जाना था और शेयरिंग में 12:30 है, बट हमने शेयरिंग वाली कैब बड़ी चोट लग गई। ये देखो यहाँ पर एक तो कल ना स्विमिंग पूल में स्क्रैच आ गया रात को, एसी कम कर और एसी कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ पूरा ऊपर कोल्ड कर थोड़ा, लेफ्ट लेफ्ट नीचे होता है भाई। चलो जी निकला जाए यहाँ से। हाउ मच टाइम इट विल टेक? 3 hours 3 hours Yeah. ओके, एंड फ्रॉम बॉर्डर टू बैंकॉक हाउ मच टाइम? आई डोंट नो येट, you don't, you can ask the driver in the in Poipet. okay different country, India and Sri Lanka are totally different. Yeah, they are different country. So abhi ye log dono baat kar rahe the, matlab wo bhi Cambodia, you are from Cambodia right? She is from Cambodia and he too is from Cambodia. तो ये दोनों बात कर रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों की लैंग्वेज कौन सी है। अभी तक मैं 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए और अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा था भाई कि यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोली जा रही है। कम्बोडियन लैंग्वेज चल रही थी, मैंने इनसे नाम पूछा अभी क्या है, तो यहाँ की लैंग्वेज का नाम है KHMER, खमे राइट, खमे। तो अब तो वैसे कोई नीड नहीं है, बट फिर मैंने कहा चलो बता देता हूँ, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है खमे। अभी एक रील पे काम कर रहा था मैं, बाकी गाड़ी चले जा रही है सामने, मौसम देख सकते हो मस्त मौसम हो रखा है, बारिश भी लग रहा है होने वाली है, बट अंदर एकदम बढ़िया माहौल है। रील चेकआउट कर लेना, इंस्टाग्राम पे डाल दी होगी, फुल डली जाएगी, अभी डालने वाला हूँ बस मैं। और क्या कहते हैं हिंदू टेम्पल के ऊपर है, मतलब बहुत प्यारी रील बनी है नो डाउट। CNG LPG LPG ओके, एंड दिस इज डीजल कार और पेट्रोल ओके। कैन यू टेल मी द प्राइसेस like petrol, how much for 1 liter? Yes, sir. Okay, let me just get it off. No worries. That's right. चलो यार आपको यहाँ पर बताता हूँ prices वगैरह भी क्या है, diesel, petrol और इन सारी चीज़ों के। कहाँ है ये रहा भाई, डीजल का प्राइस है 1001। दिस वन इज रियल? यस, डीजल प्राइस डीजल $1 $1 ओके, एंड दिस वन इज रेगुलर सिल्वर रेगुलर, दिस पेट्रोल पेट्रोल ओके, $1 सुपर इज $1.13 ओके। सो इट जस्ट लाइक इंडिया, इन इंडिया ऑल्सो इट इज समवेयर लाइक दिस ओनली, हाँ मतलब वही हो गया 90-95 रुपए के आसपास हो गया, ठीक है। बट ये तो LPG बराबर, एंड LPG हाउ मच फॉर LPG? LPG व्हाट प्राइस? वेयर इट इज, कहाँ ले जा रहा भाई? 50 सेंट्स आई थिंक, लेस देन 50 सेंट्स राइट, 2000 रियल लेस देन 50 सेंट्स भाई, 19.50 है ओके। तो बड़ा सस्ता हो गया CNG, 1/4 हो गया भाई, $1.25 लगभग आपका हो गया इंडियन रुपीज में 35 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास, सही है भाई, बहुत सस्ती है LPG, तो अच्छा खासा मतलब अर्न कर लेते हैं आगे टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह, क्योंकि प्राइजेज देखा जाए टैक्सी के तो इंडिया से ज़्यादा हैं, चाहे वो टूरिस्ट के लिए हो या चाहे किसी के लिए भी हो, बट
क्या कहते हैं जो यहाँ का फ्यूल कंजम्पशन है वो इन लोगों को बहुत कम पे करना पड़ता है उसके लिए, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही अर्न कर रहे हैं. नाइस. Why you laugh so much? What? Again you're laughing. You're too handsome. Handsome man? Thank you, thank you. Not more than you. You're too beautiful. Sure, sure, for sure. What? Yeah, sure, sure. I'll give you my Instagram. बंदी जब से बैठी है पीछे से खींची हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है. बाकी एक चीज और, क्या कहते हैं, पराग के पास ना थाईलैंड का सिम कार्ड है, तो मैं लास्ट टाइम शायद आपको बताना भूल गया. पता नहीं कैसे, जैसे मैंने और भी मैं दूसरी कंट्रीज में देखता था ना, जैसे यूरोप में भी शेनिगन टू शेनिगन भी जाते थे, या फिर कभी भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है, क्योंकि सैटेलाइट में फिर वो रहता है कि हाँ बॉर्डर के इस तरफ का है तो दूसरी तरफ पर नहीं पकड़ेगा. बट यहाँ पता नहीं कैसे थाईलैंड के सिम यहाँ मतलब काम कर रही है कंबोडिया में, बट बॉर्डर के लगभग 7-8 किलोमीटर तक, उसके बाद नहीं. तो अभी मैंने, मुझे लगा जब हम थाईलैंड से कंबोडिया आए थे तब शायद ऐसा हो रहा हो, बट अभी वापस से कंबोडिया में ही, और कंबोडिया में जैसे बॉर्डर के पास पहुंचने वाली है, 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है, वापस से इसका सिम चलना चालू हो गया. तो पता नहीं भाई ये वाला क्या सिस्टम है, बट मेरा कंबोडिया वाला है, वहाँ पर वापस जाऊँगा मैं, तो जो मैंने एंड्रॉयड में सिम डाल रखी है वो वापस से वर्क करनी शुरू हो जाएगी. ये एंटर कर चुके हैं भाई पोईपेट सिटी के अंदर. अभी ये पोईपेट बॉर्डर है ना, जो ये पोईपेट सिटी से एकदम सट के लगता है, और उस तरफ की जो सिटी पड़ती है उसका मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, वहाँ जाऊँगा तब बता दूंगा आपको. बट ये वाली जो सिटी है ये पोईपेट सिटी, पीछे पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब थोड़ी बहुत सही रोड आ गए, यहाँ से सिर्फ 2-3 मिनट का रास्ता है. और इन भाई साहब का फ़ोन ना पिछले 2 घंटे से टिंग 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 कर रहा है, पता नहीं. और एक चीज़ और, चाइना वगैरह और इन कंट्रीज में देखा, ये लोग ना व्हाट्सएप या फिर वीचैट पर लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, ये लोग सीधा सीधा ना ऑडियो फाइल भेजते हैं एक दूसरे को. ये मैंने इजिप्ट में भी देखा था, ईरान में भी यही चल रहा था, और मलेशिया सिंगापुर में तो भर भर के चलता है, चाइना में तो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर भी यही सीन है कंबोडिया में. लो भाई सामने आ गया है पोईपेट बॉर्डर, पहुँच गए ए सामने, ये रहा बस, अब उतरते हैं इनको, थोड़े इनका पैसा पूसा देते हैं, उसके बाद निकलते हैं. तो यहाँ पे ट्रेन लाइन भी है देखो, ये वाली मैं जब जा रहा था ना उस टाइम मैंने नोटिस किया था, ये देखो शायद इंटर कंट्री ट्रेन जाती होगी. इज देयर एनी ट्रेन फ्रॉम थाईलैंड टू कंबोडिया? ट्रेन does it runs now? Which time? I don't know. Okay. Have you traveled by train? No. Okay. सही गेस किया था भाई मैंने, बट यहाँ पर तो बंद नहीं है, तो उस तरफ है देखो पटरी, मतलब ट्रेन चलती है इन दोनों कंट्रीज के बीच में. ओके थैंक यू, नाउ गिव मी माई $35. Give me my $35. Mine too. Total $35. चलो भाई $10 का चेंज चाहिए था हमें, तो यहाँ पर एक ये कॉफी शॉप थी, तो इन्होंने $5 हमें दे दिए कंबोडियन रियल में, जो हमने उन भैया को दे दिया, और $5 हमने ले लिया थाई बात में, जो हमें यूज आ जाएगा थाईलैंड में. चलते हैं देखते हैं क्या प्रोसीजर पड़ता है यहाँ से. वैसे कंबोडिया से थाईलैंड जाने में ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंबोडियन इमिग्रेशन थोड़ा करता है वहाँ से, अगर कंबोडिया में एंटर करते हो तो, क्योंकि इसके लिए वीज़ा भी चाहिए. तो वीज़ा अगर आपके पास है उसके बाद भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें भी आई थी, बट थाईलैंड के लिए ऐसा कोई वीज़ा नहीं चाहिए, जैसे कि एयरपोर्ट पर भी नहीं चाहिए था, तो बाय लैंड मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत करेंगे ये लोग पोईपेट बॉर्डर से, खासकर क्योंकि ये मेन बॉर्डर है कंबोडिया और थाईलैंड का. यहाँ से ट्रेन भी जाती है, बसेस भी जाती हैं, टैक्सी से भी आप क्रॉस कर सकते हो, अपने व्हीकल से भी क्रॉस कर सकते हो. चलते हैं देखते हैं भाई, एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा रहा, होपफुली सब कुछ स्मूथली हो जाना चाहिए. चलो भाई ये रहा सामने डिपार्चर्स, चलते हैं इसको किसका आगे. यहाँ पर ये कैब दे तो रहे थे. चल यार चल, सही रेट दे रहे थे वैसे, ये 700 बात ले रहे थे दोनों का, बट दूर है यार, 4 घंटे की जर्नी है, 700 बात इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 1800 रुपये, वही 800-900 रुपये पर पर्सन पड़ जाता लगभग, तो ठीक था मेरे हिसाब से, छोड़ा वहीं चल के देखेंगे यहाँ. चलो भाई कंबोडिया साइड तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, कंबोडियन इमिग्रेशन पे मुश्किल से 2 मिनट का काम था, पासपोर्ट दिया उन्होंने, एग्जिट स्टैम्प लगाया और जाने दिया, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने. और बाकी जो यहाँ पर रिसीट आपको मिलेगी ना, मतलब जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक क्या कहते हैं अराइवल फॉर्म भरने को बोला जाएगा, जो मैंने दिखाया था वो अपने पास ही रखना, मैंने भी रखा था. तो आने के बाद क्योंकि उस पर स्टैम्प लगती है और ये लोग वो रखते हैं वापस से, तो वो पूछ रहे थे, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसको खोना मत अगर आते हो तो. अब यहाँ पर स्ट्रेट जाके सामने वो जो दिख रहा है ना आपको, वो है अराइवल्स थाईलैंड का, तो वहाँ पर होगा बाकी का प्रोसीजर थाईलैंड का. और जो डिपार्चर था थाईलैंड का वो इस तरफ था, यहाँ से आए थे हम लोग, अब इधर से चलना है. क्या बात है, यहीं पर ठेका बना रखा है. वंस अगेन वेलकम टू थाईलैंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. लॉटरी तेरी फेवरेट चीज़,
चलो भाई एंट्री कर चुके हैं थाईलैंड में। इन टोटल हम लोगों को 15 से 20 मिनट लगा सारा चलना वलना सब कुछ सारे प्रोसीजर मिला के। थाईलैंड में भी मतलब इस थाईलैंड इमिग्रेशन पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने पूछा कि होटल बुकिंग दिखाओ और कितने दिन रुकने वाले हो, फ्लाइट टिकट दिखाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने आराम से स्मूथली बहुत सारा प्रोसेस फॉलो कर दिया। और मुझे लग रहा है जो यूट्यूब वगैरह पे आती है ना वीडियोस की परेशानी होती है वो सिर्फ थाईलैंड टू कंबोडिया में होता है, क्योंकि काफ़ी रिव्यूज़ मैंने क्या कहते हैं वहाँ पर वियतनाम टू कंबोडिया के भी देखे थे। तो कंबोडिया में एंट्री चाहे वियतनाम से करो चाहे आप थाईलैंड से करो, इमिग्रेशन तो कंबोडिया का ही है, बट वियतनाम से कोई ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, बट थाईलैंड से ही पता नहीं क्यों आ रहा है। तो यही था भाई एक्सपीरियंस, बहुत स्मूथली हो गया। मैं तो बस आपको यही बोलूँगा कि अगर आप लोग इंडियन पासपोर्ट के साथ एंट्री कर रहे हो कंबोडिया, ठीक है, तो बाय रोड मत करो, बहुत दिक्कतें करते हैं। वन साइड कर लो क्योंकि ऑब्वियसली फ्लाइट थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, वन साइड आप फ्लाइट कर लो, दूसरी साइड यहाँ से जब वापस जाना हो तो ना करते। वैसे अगर प्राइवेट टैक्सी करोगे ना तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ ही जाएगी, क्योंकि हमें भी देखा जाए लगभग फ्लाइट वाला पैसा ही पड़ता है देखा जाए, है ना, 1-2 हज़ार बचा लोगे, बट परेशानी वही होगी पूरे पूरे दिन का ट्रैवल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फ्लाइट करो, 1 घंटे में पहुंच जाओ सीधा बैंकॉक। बॉर्डर से बाहर निकलते ही यहाँ पर ये ना शेयरिंग टैक्सीज तो नहीं मिलती हैं यहाँ पे जैसे कंबोडिया में थी, बट यहाँ पे शेयरिंग वैन मिल रही है, तो इसकी सीट्स पता नहीं कंफर्टेबल। दिस वन, वेयर इज माय फ्रेंड? या माय फ्रेंड, नॉट योर फ्रेंड, माय फ्रेंड ब्रो। ठीक है, ये वाली है, बस एक बार सीट देखनी है कि रिक्लाइन होती है कि नहीं होती है, क्योंकि अगर रिक्लाइन नहीं होती तो नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत हो जाती है कि बैक में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना अगर स्ट्रेट सीट पे बैठो तो। यही वाली है क्या? इतनी मथापच्ची करने के बाद जाके गाड़ी मिली है भाई, मिनी वैन देख ली, जो बड़ी वाली गाड़ी होती है वो भी देख ली सारी की सारी, एंड आई गॉट अ न्यू फ्रेंड फ्रॉम रशिया। व्हाट्स दैट? इट्स हेलो इन रशियन? इट्स रशियन इमर बोर्ड। तो साथ में हम लोगों ने कंट्री कर ली, हमने कहा चल एक काम करते हैं कंट्री करके फिर चलते हैं। क्या चीज? चलो जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमने कंट्री कर ली, हमने कहा कि साथ में चलेंगे तो सही कंट्री हो जाएगी, क्योंकि मैं वैन में नहीं जाना चाह रहा था, वैन में एकदम सीधी सीट रहती है। भैया हमें लॉस तो हुआ ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 250 बाद में मिल रहा था और ये वाला हम लोगों को पड़ रहा है लगभग 700 बात पर पर्सन, जो कि इंडियन रुपीज में पड़ जाता है 1800 रुपये, बट है भी डिस्टेंस काफी लंबा यार। हाउ मच टाइम इट विल टेक? टाइम हाउ मच टाइम टू बैंकॉक? 4 hours? ओके ओके, सो यू आर गोइंग टू बैंकॉक? ओके ओके ओके, तो इसको बेसिकली सॉरी सॉरी सॉरी। चलो जी, बाकी नई गाड़ी मिल गई, टोयोटा कोरोला ऑल्टस। सात बज रहे हैं भाई और अभी बीच में रुके हम लोग यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, इस पे स्मेल कैसी आ रही है, बड़ी गंदी सी बदबू आ रही है, कूड़े का ट्रक है क्या? वहाँ पर गाड़ी फ्यूल अप हो रही थी, रशियन बंदा उधरा कह रहा है मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, फिर गायब भी हो गया। मैं देखने आया, मैंने कहा चला तो नहीं गया कहीं, यहाँ पर अपना भाई साहब सिम कार्ड ले रहे हैं, असल में उनको हमें 700 थाई भात देने थे उसके बेसिस पे, मतलब ईच मैंने उसमें तो दे दिया, उसने भी फिर वो ड्राइवर मेरे को बोलता है पर देख क्या तुम्हारा फ्रेंड गया, मैंने कहा भाई फ्रेंड नहीं है मेरा, वो वहीं मिला था मुझे भी कहीं चला गया, तो मेरे साथ पड़ जाओ। बैंकॉक सिटी एंटर कर चुके हैं भाई, यहाँ से हमारा जो होटल है, होटल या अपार्टमेंट मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, बुकिंग तो मैंने करा लिया, हाउस ऑफ हैप्पीनेस करके है उसका होटल का नाम, बट उसकी कीज़ ना गार्ड को दे रखी है उन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि होटल नहीं है, मतलब रिसेप्शन टाइप नहीं है, अपार्टमेंट टाइप है जो ओनर ने चढ़ा रखा है ऐसे booking.com पे। तो यहाँ से लगभग वही 35 किलोमीटर के आसपास 40 मिनट दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ बंदा है ना रशियन ये भी यही कह रहा है कि मैं भी वहीं चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सिटी का थोड़ा सा पास है, वैसे तो एक्चुअली मैं दूर है बट पता नहीं उसको क्यों जाना है वहाँ पे, ठीक है, बट वो कह रहा है कि मैं भी यहीं चलता हूँ, वहीं पर ही देख लूँगा आसपास को रिश्ते। मैं कहा ठीक है भाई कोई इशू नहीं है, बाकी मेरी ओनर से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि चले जाओ आप वहाँ पर गार्ड से ले लो की और रूम नंबर बता दे, एक्सेस कर लेना, जो जो नेसेसरी चीज़ होती है सारी उसमें कोई डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। आई थिंक दिस वन मे बी दिस वन नेक्स्ट वन ओके ओके, पहुंच तो गए भाई लोकेशन पर, बड़ी पतली पतली सी सकरी सी गलियां हैं ये, मुझे लग रहा है प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर हम लोगों ने बुकिंग करा ली है। पराग सही है ना भाई? हाँ सही है, चलो सही दिख रहा है, ऐसी जगह पर रहना मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करता हूँ सही बताऊँ तो, मतलब मुझे पसंद नहीं है ऐसी जगह पर रहना कोजी कोजी, थोड़ा सा ओपन रहे, टूरिस्ट प्लेस के पास रहे, सब कुछ ओपन मिलता रहे, तब ज़्यादा सही लगता है मुझे, बट स्टिल
चल के देखते हैं भाई कैसी जगह है, क्या है। यू कैन स्टॉप हियर, यू कैन स्टॉप हियर। तो यहाँ पर थाई में लिखा हुआ है देखो, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। अभी इन्होंने पढ़ के बताया, हमें तो आती नहीं है भाई थाई, बट बड़ी अजीब लोकेशन पे है भाई। मतलब मुझे तो नहीं पसंद आई लोकेशन, देखना एकदम सुनसान जैसे कहते हैं ना, लेफ्ट और राइट साइड पर कुछ नहीं है। ओके थैंक यू, लेट्स गो। यहाँ पर गार्ड साहब मिलेंगे, उनसे हम लोगों को कीज लेनी है। 7th फ्लोर पर हम लोगों का रूम। ये कार्ड मिल गया भाई, 707 हमारा रूम का नंबर है। 707 रूम का नंबर है या 7th फ्लोर ही नहीं है, तो वाली मूवी हो गई। ओ माय गॉड, नहीं ओ माय गॉड थी, कौन सी थी? थैंक गॉड, नहीं थैंक ओ, थैंक गॉड सलमान खान वाली मूवी। हाँ, जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाते हैं। लेट्स सी 707, हाँ ये है ना 7th फ्लोर। ओ काफ़ी क्लीन है यार वैसे। तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रखा है, डियर माई गेस्ट, हाउस ऑफ हैप्पीनेस टीम की तरफ से एक गुडी बैग दिया है इन्होंने। एक बार खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या। देखते हैं भाई क्या है ऐसा। अंदर वाली चीज मेरी, बाहर वाली तेरी। ओके अंदर वाली चीज तेरी, बाहर वाली मेरी। ऐसे तो नहीं होता है। डन। रूम टूर ले लो भाई, दो छोटा छोटा सिंगल बेड दे रखे हैं, एक टेबल दे रखी है। राइट साइड में वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन सा। यहाँ पर बाहर कहाँ से खुलता है, यहाँ से। अरे यहाँ पर बाहर एक छोटी सी बैलकनी दे रखी है। 7th फ्लोर पर हमारा रूम है, बाहर का व्यू देख सकते हो। फिलहाल जा रहे हैं बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने है, घूमने। बाकी इस वाले जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसकी लोकेशन मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। और सही बताऊँ तो ना ही मेरे को प्रॉपर्टी इतनी कुछ खास पसंद आई, क्योंकि जो प्राइस हम यहाँ पे कर रहे हैं 900 rupees पर पर्सन फॉर वन डे, इस सेम प्राइस में हम लोगों को वो वाला हॉस्टल मिल जाता तो हमने स्टार्टिंग में बैंकॉक में लिया था, तो वो तो नो डाउट बहुत प्यारा हॉस्टल था, ठीक है। बट हमने कहा यार छोटा अपार्टमेंट ले लेते हैं, सेम प्राइस में मिल रहा है, एक थोड़ी प्राइवेसी भी हो जाती है। जब सही भी प्राइस पड़ रहा है, अकेले बंदे के लिए एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट अगर 2 या 3 लोगों तो आप अपार्टमेंट ऑप्ट कर सकते हो। फिलहाल चल रहे हैं थोड़ा बहुत बाहर एक्सप्लोर करने। मैंने कहा चलो 2 या 3 दिन बचे, 2-3 दिन भी कहाँ की, मतलब कल तो हम जाने पाएंगे क्योंकि परसों हम लोगों को शिफ्ट करना है दूसरे हॉस्टल में, तो आज और एक लास्ट जो हमारा वो उसी दिन बस थोड़ी नाइट लाइफ देख पाएंगे। तो चलते हैं बाहर, खाउसन रोड दो ही हैं जो यहाँ पे नाना प्लाजा वाली रोड है, वहीं कुछ एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाते हैं। गार्ड ने नीचे हमें की दी थी और यहाँ पे चेकआउट करते वक्त हम लोगों को इसके अंदर की डालनी है, चेकआउट बॉक्स। ये वाला सेम बॉक्स मैंने बुकिंग करते वक्त भी देखा था, इन्होंने उस पर पिक डाल रखी थी इसकी। थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है इस वाली रोड पर जाते हुए मुझे। प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है थाई का, मतलब थाईलैंड का सॉरी, बैंकॉक का, जहाँ पर लोग रहते हैं। कोई टूरिस्ट नहीं आता होगा यहाँ पर, मुझे तो नहीं लगता कोई आता होगा। और जिस वाली बिल्डिंग में हम लोग रुके हुए हैं, उस बिल्डिंग में मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स वगैरह या फिर लोग जो यहाँ पर एम्प्लॉय होंगे, वैसे जैसे रेंटेड होते हैं ना अपार्टमेंट गुड़गांव और नोएडा में, उस टाइप का कुछ है शायद से, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ। वहाँ पर मैंने देखे एक दो लोग ऊपर नीचे जाते वक्त। आ गई है कैब, चलते हैं। लो भाई पहुँच गए हैं खाउसान रोड, अभी पहुँची नहीं है एक्चुअली, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये देखो बाहर का माहौल, आज वीकेंड नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था, थाईलैंड में स्पेशली बैंकॉक की खाउसान रोड पे कोई वीकेंड नहीं होता, कोई वीकडे नहीं होता, यहाँ हर दिन ही वीकेंड होता है। क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो भाई ऑब्वियसली छुट्टियाँ लेके ही आते हैं। लोकल लाइट आपको कोई भी नहीं मिलेगा पूरी रोड पे, ना ही खाउसान में, और यहाँ की जो दूसरी स्ट्रीट है नाना प्लाजा, वहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरनर्स मिलेंगे। चलो जी सामने ये आ गई है, सामने खाउसान रोड। और अभी तो यहाँ एकदम शुरुआत है, ये मान लो अभी सुबह है खाउसान रोड के लिए, क्योंकि सुबह 4-5 बजे तक पार्टी चलती है, इतना ऑब्वियसली हम नहीं रुकेंगे। चलो भाई वापसी निकल रहे हैं यहाँ से, कैब आ गई है हमारी पिंक कलर की कैब। हेलो या ग्रैब या अभिषेक, अभिषेक। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। आज हम लोगों ने ज्यादा पार्टी पुटी नहीं करी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड था लिटरली, और परसों की हमारी पार्टी ऑलरेडी फिक्स है क्योंकि कल भी हमारा यही स्टे रहने वाला है और उसके नेक्स्ट डे भी, मतलब जो सॉरी नेक्स्ट डे हम लोगों का चेंज है ना, मैड मंकी, क्योंकि मैड मंकी हम लोगों ने जो पार्टी का दिन था ना वो सैटरडे था,
तो हम लोगों ने मैड मंकी वही देख के चूज किया क्योंकि हॉस्टल में रहने का एकदम इच्छा सी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हमने सोचा कि चल लास्ट डे जो है हमारे यहाँ का, क्योंकि संडे की हमारी वापसी की फ्लाइट है, तो सैटरडे को हम लोग मैड मंकी में स्टे करेंगे, पार्टी पुटी करेंगे, बढ़िया शाम से वहाँ पार्टी शुरू हो जाती है। मैंने हॉस्टल की पार्टी एक्सपीरियंस कर रखी है, इसने नहीं करी थी, तो ये कह रहा था भाई एक बार करनी है हॉस्टल की पार्टी, तगड़ी होती है भाई मैड मंकी की पार्टी लिटरली। तो चलो सी यू।